अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमजान चल रहा है आप सबको पता है, और बंदे ने रोजा रखा हुआ हो और पबजी खेल रहा हो और एनिमीज के ऊपर क्लच कर रहा हो आए, 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 आए। और उसी दौरान ऐड आ जाए तो ओ भाई मारो मुझे मारो भाई, मेरी खोपड़ी क्यों तोड़ोगे, आओ मिलकर ऐड की खोपड़ी तोड़ते हैं। यानी कि इन ऐड को बंद करने का तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, मस्त प्लान है। लेकिन मेरे भाई एक ही चीज बताऊंगा मैं, लेकिन पहले आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बताता चलूं। मैं खुद पबजी खेलता हूँ, ठीक है, और मुझे खुद इस प्रॉब्लम का यार सामना करना पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है, तभी आप लोगों को हल निकालना है और उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यूट्यूब में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एक भी काम की नहीं थी यार, एक भी, ठीक है, कुछ लोगों के लिए होंगी काम की लेकिन मेरे लिए काम की नहीं थी। मैंने खुद सोल्यूशन निकाला है, एक ही चीज़ ऐसी होगी जिससे वो एड्स बंद हो जाएंगे। अब वो चीज़ क्या होने वाली है वो तो मैं आगे चल के थोड़ा सा बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो बतानी ज़रूरी है वो ये है कि एड्स आते क्यों हैं। एड्स आते हैं बेसिकली जो कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मान लो मैं यूट्यूबर हूँ तो जाहिर सी बात है थंबनेल के लिए, बेस्ट पिक्चर वगैरह एडिटिंग के लिए गूगल का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह गूगल से मैं अच्छे से सर्च करके लगाता हूँ ताकि मेरी वीडियो रैंक करे, ठीक है। वो कई प्राइवेट साइट्स होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं, ठीक है। आजकल लोग वीडियोज़ भी देखते हैं, वो तो आप लोग समझ ही रहे हो ना, समझ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि वो जब परमिशन मांगती हैं तो आप लोग बगैर पढ़े हुए उसे अलाउ कर देते हो, तब वो जाकर एड्स आना शुरू हो जाते हैं और यही सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। आप लोगों को जब भी कोई साइट्स परमिशन मांगे तो सबसे पहले उसके ऊपर वो चेक करो, ठीक है, कि वो क्या बोल क्या रही है। अगर नहीं समझ आ रही तो डिनाई कर दो, अलाउ नहीं करना अगर नहीं कुछ पल्ले पड़ रहा, ठीक है, वरना आप लोगों के फ़ोन में ऐसा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा जिससे वो एड्स आ जाएंगे और आप लोगों का फ़ोन का पर्सनल डाटा भी लीक हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल ना किया करो, इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। डिनाई कर दिया करो, अलाउ पढ़ने के बाद अच्छे से कन्फर्म करने के बाद ही अलाउ किया करो उसको। बाकी एक ही सेटिंग बताऊंगा जिससे वो एड्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों का वांट पर टाइम नहीं लूँगा, मेरा भी एड्स आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। मैं बस गूगल से मतलब कई साइट्स आप लोगों को बताया ना कि जैसे कि टाइटल टैग वगैरह, इसके अलावा कैसे कई किस्म के पिक्चर वगैरह थंबनेल वगैरह डाउनलोड करने पड़ते हैं, तो वो डाउनलोड कर रहा था, परमिशन मांगी उन्होंने तो परमिशन अलाउ कर दी, उसी से मुझे एड्स आना स्टार्ट हो गए। बहुत तंग हुआ आया था क्योंकि एनिमी उसके मुंह पे जाता तो एनिमी ऐड आ जाते और एनिमी पेल के और तो और बोर्ड भी पेल के चला जाता था, तो यही मसला था मेरे साथ और इसी वजह से मैंने जो है वो यूट्यूब पे वीडियो देखी लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो आप लोगों के लिए एक खास टिप लेकर के आया हूँ, चाहता ही हूँ कि आप लोग बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरह की हेल्पफुल और गाइडेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा, तो मेरी जान फिर सब्सक्राइब मार दो। तो बाकी जो है वो आप लोगों को मेन टॉपिक जो है वो समझाना है, आओ मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। बाकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आओ, वहाँ पे आप लोगों का सारा प्रोसेस समझाता हूँ। तो गाइस यार आ चुके हैं हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पे आपको मैं सारा प्रोसेस समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ जाना है, जैसा कि मेरी ये सामने सेटिंग आप लोगों को नज़र आ रही होगी फ़ोन की, मेरी नहीं फ़ोन की, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन होने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने सर्च बार पे आना है, सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे DNS को सर्च कर लेना है, DNS। अब DNS को सर्च किया यहाँ पे मैंने, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, ये DNS आ चुका, DNS पे क्लिक करते हैं जी। तो इसके बाद प्राइवेट DNS, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा प्राइवेट DNS, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्राइवेट DNS मोड को सिलेक्ट कर लेना है, एक तो ऑफ है, एक ऑटोमेटिक है और एक खुद का DNS आप जो है वो बना सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया हुआ है DNS.adguard.com, ये नीचे खुद का मैंने बनाया हुआ है DNS.adguard.com। बेसिक समझने वाली यही चीज़ है कि यही एड्स को रोकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ। प्राइवेट DNS प्रोवाइडर और होस्ट नेम, ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद का क्रिएट करना है DNS.adguard.com,
तो इसको आप लोग ने सिंपली सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप ये आप लोगों का DNS सेव हो चुका है। इसके बाद अगर आप लोगों को एड्स का मसला आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि यार आप लोगों की ट्रिक गलत है। खुला खुला आप ट्रिक कमेंट कर सकते हो, कोई हिचक जाना नहीं है, ठीक है। 100% ये ट्रिक वर्क करती है। हाँ, आप लोग वीडियो को डिसलाइक भी कर दो अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। मैं इतना बड़ी गारंटी दे रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों का एड्स शो नहीं होगा, सही है। तो गाइज यही था तरीका, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो, अगर आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब मार के जाओ। बाकी मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल माय लेजेंड पब्लिक।